स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बेटा क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए कॉपी चेकिंग की रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है वो आज आप सबको देने वाली हूँ। बेटा कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट बहुत हद तक हो गई है टेंथ की, ट्वेल्थ की भी फास्टर मोड में है, चल रही है। अब मार्क्स जो है, अब मार्क्स अपलोडिंग स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। तो उसमें मार्क्स अपलोडिंग से पहले भी एक बार जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपके मार्क्स को रीटोटल भी करेंगे, और हर क्वेश्चन का गेस जो मान लो 1 में 2 क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मार्क्स, तो दिस विल बी रीटोटल आल्सो, कि कहीं पे भी कोई फ्लॉ ना हो। हालांकि फिर भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एरर नहीं होगा। इतने लेवल ऑफ करेक्शंस के बाद भी कई बार बच्चों के मार्क्स गलत आ जाते हैं छप के। सो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार हो कि हो सकता है आप उसमें से एक बच्चे हो जिसका टाइपो एरर हो गया है, ठीक है। अब मार्क्स अपलोड तो हो गया, आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स दोनों ही जुड़ेंगे। तो सीबीएसई विल टेक एटलीस्ट थ्री वीक्स। फर्स्ट वीक ऑफ मई से पहले रिजल्ट आने के चांसेस तो बनते ही नहीं है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से लगी है बेटा, आप सभी स्ट्रेस फ्री हो जाओ। आपके एजुकेशन मिनिस्टर का भी ये कहना है, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान का, कि बच्चों के मार्क्स काटने नहीं है, अननेसेसरी कहीं पर आपके नंबर काटने नहीं चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि रिजल्ट इसलिए नहीं बोर्ड एग्जाम हो रहे ताकि बच्चों को स्ट्रेस किया जाए, बोर्ड एग्जाम इसलिए हो रहे हैं ताकि बच्चे अपनी कैपेसिटी चेक कर सकें, एक क्लास से दूसरे क्लास में जा सकें। इसको इतना बड़ा हवा नहीं बनाना है कि नंबर काटो, परेशान करो, बच्चों को कंपार्टमेंट में डालो, ऐसा नहीं है। आपने थोड़े भी एफर्ट्स डाले हैं, दैट इज अप्रिशिएटेड। तो इस बार बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हों लास्ट ईयर से भी। उसके बहुत से कारण हैं। देखो, एक तो सीबीएसई के हेड में बदलाव, लास्ट मोमेंट में हेड में बदलाव होना भी अपने आप में बड़ी चीज़ है, कि द न्यू हेड विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव बेटर रिजल्ट, जैसा प्रीवियस ईयर था उससे फार बेटर होगा। उसके बाद इलेक्शंस का भी कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। टीचर्स आर ऑल्सो लिबरल एंड दिस टाइम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग बेटर। स्टूडेंट्स ने बहुत, मैक्सिमम बच्चों के कॉमेंट्स भी मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ कि अटेम्प्ट लिए हैं। और जो टीचर कॉपी चेकिंग करते हैं वो भी यही बताते हैं कि इस बार बहुत कम ऐसे कॉपियाँ मिलती है जिसमें कॉपी खाली होती है, ठीक है। सो पासिंग परसेंटेज इज 100% गोइंग टू बी वेरी हाई दिस ईयर, नॉट ओनली फॉर टेंथ फॉर ट्वेल्थ ऑल्सो, ठीक है। अब आपका रिक्वायर्ड क्या था इसमें से, अटेम्प्ट। आपने अटेम्प्ट लिया है, थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट अटेम्प्ट है तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर देखो पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, टेंथ का 93 के अराउंड था, ट्वेल्थ का 87% ही रह गया, ये 6% से गिर गया था लगभग, ठीक है। तो लेकिन इस बार सीबीएसई को भी अपना रिजल्ट बेटर करना है, तो संयम भारद्वाज ने भी इसीलिए यही कहा है कि रिजल्ट अच्छे से अच्छा होना चाहिए, नंबर बच्चों के इस तरीके से काटे ना जाए। तो दैट मीन्स आपके नंबर बिल्कुल भी अच्छे से लीनियंटली कॉपी चेक की जा रही है, तो फुल मार्क्स आपने अगर लिखा है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। जो बच्चों को डाउट रहता है कि हमने तो अपनी तरफ से एफर्ट डाला, क्या हम टॉपर बन पाएंगे या हमारे फुल मार्क्स आएंगे या नहीं, लास्ट ईयर तो बहुत गलत हो गया था कि किसी बच्चे को 100 मार्क्स मिले ही नहीं थे 100%, तो ये बहुत ही अजूबा था लास्ट ईयर कि फुल मार्क्स किसी बच्चे को आया नहीं। बट आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, ही डेफिनेटली वांट्स कि बहुत से बच्चे के ऐसे नंबर्स हों जो फुल में आए, तो वो टीचर्स से भी कहा जाता है कि भाई आप कॉपी अच्छे से करो, जिस बच्चे को आ सकता है उसको ज़रूर दो फुल मार्क्स, समझे। जो 90% ला रहा होगा तो ऐसे लीनियंसी में क्या होता है, 90 वाले 95 बन जाते हैं, 95 वाले 98 पे चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो लीनियंसी से कॉपी चेक की जा रही है, तो ऐसे क्या होता है जो बच्चे फेल वेल के आसपास होंगे उनको भी खींच के पास कर दिया जाएगा। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप मार्क्स आपको भर भर के मिल रहे हैं, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत भी रेलेवेंस मिल रहा है आपके आंसर में, नंबर दिए जा रहे हैं। जिन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, क्वेश्चन एम्बिगस था, एरर था उसमें, या फिर डिलीटेड पार्ट से आया था, या कोई खास सेट डिफिकल्ट था, वहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी भी लग रही है। लास्ट में जब देखा जाएगा कि बच्चा अगर पास नहीं हो पा रहा है तो 1 to 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स भी दिए जा रहे हैं, एंड इंटरनल मार्क्स भी आपको बढ़िया ही मिले हैं। आप सब देख सकते हो अपने स्कूल पे, आपको पता चलेगा कि स्कूल वाले नंबर बहुत ज़्यादा नहीं काटते। सो कुछ कमेंट्स आपके देख लें। मैम वन डाउट, इवन इफ आई रोट समथिंग रेलिवेंट इन द आंसर, आई डोंट नो। बेटा आपने रिलेवेंट लिखा है तो टीचर आपको नंबर ज़रूर देगा, क्योंकि टीचर भी चाहते हैं कि बच्चा पास हो। सो वरी सा मत करो, पास ही नहीं, कहने का मतलब कि आपने अगर 5 मार्क्स में आपका अटेम्प्ट एक्चुअली 2.5 मार्क्स का है तो भी टीचर आपको 3 तो देगा, 3.5 दे देगा, थोड़ा लिबरल मार्किंग होती है। थैंक यू सो मच बेटा।
मैम जिसका फिजिक्स में 16 बन रहा है। हाँ बेटा, अगर 16 बन रहा है तो फिजिक्स में मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, तो अपने आप आप पास हो जाओगे फिजिक्स खास तौर पे। बेटा अकाउंट्स में भी बच्चों के मार्क्स अच्छे ही मिले, और अकाउंट्स में भी स्टेप मार्क्स का बड़ा योगदान होता है। बेटा सीजीपीए नहीं, आपको परसेंटेज ही मिलेगा, सब्जेक्ट के अगेंस्ट मार्क्स मिलेगा, फिर आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट करोगे। सीबीएसई टॉपर्स वगैरह भी जनरेट नहीं करती इसी वजह से कि बच्चों पे स्ट्रेस ना आए। मॉडरेशन पॉलिसी लगनी तो चाहिए बेटा, सिर्फ फिजिक्स में तो 100% लगनी चाहिए। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग एंड रिजल्ट फॉर्मेशन, और ट्रस्ट मी बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है, लगभग सभी बच्चे पास ही होंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।